दोस्तों, लोगों के बड़े बड़े सपने होते हैं और सपने देखना अच्छी बात भी है, लेकिन इसको पूरा करने में लोगों को खूब मेहनत करना पड़ता है, जिसके बाद भी ये कहना मुश्किल हो जाता है कि सफलता मिलेगी भी या नहीं। चलिए, सपने तो आम आदमी देखते ही हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि सपने भिखारी भी देखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है। हमारे देश में ऐसे कई भिखारी मौजूद हैं जिसकी कमाई हमसे कई गुना ज्यादा है, वो भी अमीरों के लिस्ट में आते हैं। चलिए, आज मैं आपको ऐसे ही 3 भिखारियों के बारे में बताने वाला हूँ जिसके रईसी को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। 3रे नंबर पे जो भिखारी आता है उसका नाम गीता है। मुंबई की रहने वाली गीता अमीर भिखारियों की लिस्ट में 3रे नंबर पर है। गीता मुंबई के चरनी रोड के पास भीख मांगती है और कथित तौर पर उन पैसों से उसने एक फ्लैट भी खरीदा है जिसमें वो अपने भाई के साथ रहती है। वह प्रतिदिन भीख मांगकर लगभग 1500 रुपए कमाती है। महीने में करीब 45,000 रुपए उनकी आमदनी है। अब बताइए, हमको दिन के 10 रुपए कमाने में पसीने निकल जाते हैं, लेकिन ये लोग केवल दूसरों के सामने हाथ फैलाकर पैसे कमा रहे हैं। हालांकि हम लोगों के कमाने में और भिखारियों के इस तरीके से पैसे कमाने में काफी फर्क होता है। सबसे अमीर भिखारियों की लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे आती है वो है लक्ष्मी, जो कि कोलकाता की रहने वाली है। लक्ष्मी ने 1964 से कोलकाता में सिर्फ 16 साल की उम्र से भीख मांगना शुरू कर दिया था और 50 से अधिक वर्षों के अपने जीवन में इन्होंने भीख मांगकर लाखों रुपए जुटाए हैं। इनके सभी पैसे बैंकों में जमा हैं। लक्ष्मी आज भी 1000 रुपए हर दिन कमाती हैं। अगर महीने के हिसाब से देखें तो वो हर महीने कम से कम 30,000 रुपए कमाती हैं। और जो भिखारी पहले नंबर पे आता है उसकी कमाई को सुनकर आप आश्चर्य हो जाएंगे, क्योंकि आज इतना तो सेलिब्रिटी भी नहीं कमा पाते हैं जितना कि ये भिखारी कमा रहा है। इस भिखारी का नाम भरत जैन है। साधारण शुरुआत से अमीर भिखारी बनने तक भरत जैन का आर्थिक रूप से तंग परिवार में जन्मे व औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ था, जिससे स्थिर रोजगार पाने में इसकी संभावनाएं सीमित हो गई। इन बाधाओं के बावजूद भरत जैन अपने पेशे के माध्यम से अपने और अपने परिवार के लिए जीवन बनाने में कामयाब रहे। इनकी कुल संपत्ति 7.5 करोड़ रुपए हैं। इनकी मासिक आय 60,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए के बीच है, जो किसी भी मानक के हिसाब से काफी बड़ी रकम है। जो चीज इन्हें अलग करती है वह न केवल धन संचय करने की उनकी क्षमता है, बल्कि रियल इस्टेट में उनका चतुर निवेश भी है। इनके पास मुंबई में 1.2 करोड़ रुपए का एक मूल्यवान 2 बेडरूम का फ्लैट और थाने में 2 दुकानें हैं, जिनसे 30,000 रुपए की मासिक किराए की आय होती है। यह वास्तव में उल्लेखनीय है कि कैसे भरत जैन रियल इस्टेट पोर्टफोलियो बनाने के साथ साथ भिक्षावृत्ति की दुनिया में भी आगे बढ़ने में कामयाब रहे। भरत जैन एक विवाहित व्यक्ति और 2 बेटों के पिता हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बच्चे को शिक्षा मिले, इनका समर्पण सराहनीय है और इनके दोनों बेटों ने सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई पूरी की है। यह उपलब्धि भरत जैन के लचीलेपन और गरीबी के चक्र को तोड़ने के उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। भरत जैन को मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते देखा जाता है। इतने पैसे कमाने के बाद भी भरत जैन इस पेशे को नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी वो भीख मांग रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि भीख मांगने के प्रति उनका समर्पण आदत, साथ ही भिखारियों के साथ विकसित हुई समुदाय की भावना और उन्हें भीख देने वाले लोगों के साथ बातचीत से मिलने वाली भावनात्मक संतुष्टि के संयोजन से भरत जैन प्रेरित हैं। इसीलिए भरत जैन इस पेशे को नहीं छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।